कहता हूं कि लोअर मीडियम लोगों का इलाका है और एक बहुत बड़ी आबादी राजेंद्र पार्क के यहां रहती है, चाहे उसमें महालक्ष्मी गार्डन हो, चाहे स्वरूप गार्डन हो, चाहे वो आनंद गार्डन हो, विष्णु गार्डन हो, जय विहार हो, टेकचंद नगर हो, सूरत नगर हो, ये लाइन पार्क का जो इलाका है यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तो यहाँ के लोगों को अफोर्डेबल, एंसोरेबल और अप्रोचेबल स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए हमने अपनी सेवाएं सुनिश्चित की हैं। और आज इसी कड़ी में आज ही यूनियन बैंक के ऊपर, कैनरा बैंक के ऊपर तीसरा पोली क्लिनिक हम खोलने जा रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद, आप सबके प्यार से मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। और इस बात का मैं गुरुग्राम के लोगों को आश्वासन देता हूं कि जिस तरीके से कैनविंग फाउंडेशन पहले भी स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी बेस्ट से बेस्ट सेवाएं देता रहा है, आगे भी हम बेस्ट से बेस्ट सेवाएं इसी तरीके से देते रहेंगे। बस आप सबका आशीर्वाद और प्यार और साथ की जरूरत है। नवीन जी, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं पूरे हरियाणा में ऐसे जाएंगे या पूरे गुड़गांव में आप फैलाओगे? धीरे धीरे आप इसका विस्तार करते जा रहे हो। देखिए, हमारा जो गुड़गांव है ये पूरे हरियाणा का एक चेहरा है। यहाँ की आबादी आज पूरी, मैं मानता हूँ कि 50 लाख आबादी हो गई है। अगर मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों की बात करूँ, उन हॉस्पिटलों के नाम से गुड़गांव जाना जाता है। आज देश के हर कोने का आदमी मेडिसिटी को जानता है। यहाँ तमाम छोटे इलाकों से लोग इलाज कराने के लिए आते हैं। तो अगर हम गुड़गांव में सेवाएँ दे रहे हैं तो इसका मतलब हम पूरे हरियाणा में यहाँ बैठे ऑलरेडी दे ही रहे हैं। लेकिन हम अपना विस्तार जब तक और नहीं करेंगे, पहले हम स्टेप बाई स्टेप चलेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत करना आसान है, उसको लगातार चलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दोनों सेवा पोली क्लिनिक में बहुत अच्छी भीड़, बहुत अच्छे लोगों का साथ और बहुत अच्छी सेवाएं हम दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी आदमी बीमार ना हो, लेकिन हमारा पर्यावरण, हमारा खान पान इतना ख़राब हो गया है कि ना चाह करके भी बीमारियाँ आ जाती हैं। और 70-80% दवाइयाँ, बीमारियाँ छोटे पोली क्लिनिक्स में हम ठीक कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी का बजट नहीं है कि वो बड़े हॉस्पिटलों में जाकर इलाज करा पाए। हम देखिए, अगर बड़े हॉस्पिटल में जाकर किसी महिला की डिलीवरी की मैं बात करूं तो 1,00,000 रुपये खर्चा है। छोटे हॉस्पिटल की बात करूं 50-60,000 रुपये खर्चा है। हम 5,000-7,000 रुपये में भी डिलीवरी करा देते हैं। हमने यहाँ पर एक्सरे भी शुरुआत किया है, सिर्फ 160 रुपये में एक्सरे, जो 500-600 रुपये कहीं से कम नहीं है। डेंटल की कोई भी ओपीडी पूरे गुड़गांव में 800-1,000 रुपये से कम नहीं है। यहाँ मात्र 100 रुपये में डेंटल की ओपीडी रखी है। आईज का भी यहाँ पे हमने सेंटर बनाया है। और जैसे जैसे लोगों का साथ मिलेगा, हम इसको यहाँ बढ़ाने का काम करेंगे। मैं जिन्होंने बिल्डिंग दी ओपी कटारिया जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। तमाम जितने गुड़गांव के सामाजिक संगठन, राजनीतिक क्षेत्र के हमारे मित्र, तमाम ऐसे ऐसे सामाजिक संगठनों के लोग, मीडिया के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता जो आए हैं यहाँ पर शिरकत की है, मैं आपके माध्यम से सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।